एक अलग लेवल का स्कैम हो रहा है। पहले ही आप एक लेटर देख लीजिए जो एकदम लगता है कि किसी सरकारी एजेंसी की तरफ से जारी किया गया, लेकिन ये फेक है। तो नितिन कामत ने, जो जीरोधा के को फाउंडर है, उन्होंने बताया, ट्विटर पर शेयर किया कि उनके कलीग के साथ स्कैम हुआ है। जितने भी कुरियर कंपनी है, फेडेक्स और ब्लू डार्ट, उनके नाम से कॉल आता है एक आदमी का, और वो बोलता है कि आपका एक पार्सल है जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया है। फिर एक वीडियो पर आता है जो खुद को बोलता है इंसान कि मैं पुलिस से हूँ, और वो अपना आधार नंबर भी देता है और वो पैनिक क्रिएट करता है। तो जिनके पास कॉल आता है वो पैनिक क्रिएट करते हैं, उनको बोला जाता है कि आपको इतने पैसे जमा करने होंगे, आपके मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है वगैरह वगैरह, ऐसे करके आपको पैनिक क्रिएट करवाया जाता है। फिर वो इंसान जिनके पास कॉल आता है वो पैसे ट्रांसफर कर भी देते हैं। लेकिन ये एक स्कैम है, बहुत तरीके का अलग अलग लेवल का स्कैम हो रहा है। तो जहां भी पैसे की बात आती है तो वो एक 100% स्कैम है। तो वहां पे आपको पैनिक में नहीं आना है, आपको सामने वाले को ऐसा नहीं दर्शाना है कि आप घबरा रहे या पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। उल्टा आप ऐसा कोई भी, अगर पैसा का बात करें या कोई आपको थ्रेट दे, धमकी दे, या कोई भी आपको ऐसा कुछ बोले कि आपको डराने या धमकाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको आप बोले कि मेरा लॉयर बात कर लेगा। आपके पास लॉयर है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो दूसरे वाला, सामने वाला जो आपके साथ स्कैम कर रहा है, वो पैनिक क्रिएट करेगा, न कि आप पैनिक क्रिएट करेंगे। तो किसी भी तरीके का स्कैम से बचे, ऐसा स्कैम, अलग अलग तरीके का स्कैम लगातार हो रहा है, और जो स्कैमस्टर्स है वो अलग अलग तरीके से कैसे आपसे पैसे निकलवा सकते हैं वो जुगाड़ करते रहते हैं। इतना शायद वो किसी अच्छे बिजनेस पे वो अपना दिमाग लगाते तो शायद आज कुछ कर रहे होते, बजाय कि दूसरे को लूट रहे होते। तो एक बहुत ही घटिया तरीका है किसी को चीट करने का, जो फ्रॉडस्टर स्कैमस्टर्स कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी बच के रहें, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, जैसे वो भी अवेयर होंगे और ऐसे स्कैम से बच के रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के बीच में, फैमिली मेंबर्स के बीच में, और ऐसे ही वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।